हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएस कुमार, आप देख रहे हैं आईसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दिखाएंगे आप गोल्ड मेडल का धन बरसे ऐप को घर बैठे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसमें जो मिलता है पेटीएम कैशबैक उसे कैसे प्राप्त करेंगे। अगर आप एक रिटेलर हैं तो आप अपना आईडी किस तरह से बनाएंगे, आईडी को अप्रूव कैसे करेंगे और कैसे उसमें पेटीएम कैश आप प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी गोल्ड मेडल का सामान आपको मिलता है, आप खरीदते हैं, उसमें एक पेटीएम कैश का क्यूआर कोड होता है, उसे आप स्कैन करके आप कैश प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका यह कैश कितना देर में अकाउंट में ऐड हो जाएगा पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप किस तरह से अपना आईडी बनाएंगे, अपना आईडी को कैसे अप्रूव करेंगे, उसमें किस तरह से आप पेटीएम कैश प्राप्त कर सकते हैं जो गोल्ड मेडल का आता है, तो आप धन बरसे ऐप भी इंस्टॉल करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पूरी जानकारी देंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। आपको धन बरसे ऐप का इंस्टॉल करना, रजिस्ट्रेशन करना और अप्रूव करना, किस तरह से स्कैन करना है, कैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होंगे, सारा डिटेल आज की वीडियो में देने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको तो धन बरसे ऐप को इंस्टॉल करना है। इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कैटेगरी, तो यहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं यहां पर डीलर है, रिटेलर है, काउंटर बॉय है, सेल्स और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन। अगर आप बिजली मिस्त्री हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो रिटेलर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर रिटेलर के लिए बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करेंगे और नीचे टिक लगा देंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपको पूछा जा रहा कि आप यस करना चाहते हैं या नो, तो यस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, OTP यहाँ पर डाल देना है। देखिए मेरा OTP आ गया है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट में आपको क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है प्रोप्राइटर है या डायरेक्टर है या पार्टनर है। तो चलिए प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पर प्रोप्राइटर सेलेक्ट करते हैं। नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमको नेम टाइप करना है। यहाँ पर सर नेम टाइप कर देंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेल है या फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको कोड डालना है। कोड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा वो कोड के यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद देखिए आपको ये रेफर कोड यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो यहाँ पर दे दें और ये पर्सनल फ़ोटो आप यहाँ पर अपना फ़ोटो कैप्चर कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर टेक फ़ोटो है, आप फ़ोटो डायरेक्ट खींच सकते हैं या अपने लाइब्रेरी से ले सकते हैं फ़ोटो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना पिन कोड दे देना है, जो आपका पिन कोड है एरिया का यहाँ पर पिन कोड डालना है और आपका जो फ्लैट नंबर है या डोर नंबर, आपका जो एड्रेस है यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। सिलेक्ट स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, स्टेट आप जो भी स्टेट से हैं यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे और आपका जो टाउन है सिटी है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका शॉप का जो नेम है यहाँ पर टाइप कर देंगे
अशोक का फोटो एक खींच लेंगे, यहाँ पर अपलोड करेंगे। यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का आपका जो पैन कार्ड का नंबर है यहाँ पर आपको टाइप करना है और पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर आपको खींच लेना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आईडी इस तरह से बन जाता है। यहाँ पर देखिए आपका आईडी पेंडिंग दिखाएगा, पेंडिंग दिखाएगा तो एक सप्ताह के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है। इसमें आपको कस्टमर केयर की तरफ से आपको मोबाइल पे फ़ोन आएगा, उसमें बोला जाएगा कि आप रिटेलर हैं तो आप कहाँ से सामान लेते हैं, कौन सा डीलर से लेते हैं और उसका क्या नाम है उस डीलर का, तो ये सब आपको पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका ये पेंडिंग दिखा रहा है ये अप्रूव हो जाएगा। अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाले आईडी अप्रूव कराएंगे तो उसके लिए आपको 3 या 4 सवाल पूछे जाएंगे कि आप वायरिंग का काम करते हैं तो उसमें कौन सा स्विच कहाँ लगता है या किसमें कितना एम्पियर का स्विच लगता है, ये सब आपको कुछ इंक्वायरी पूछा जाएगा। तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन वाला भी अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये रिटेलर का है तो यहाँ पर रिटेलर लिखा हुआ है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन बनाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको स्कैन करना है, चलिए आपको स्कैन करके दिखा देते हैं। फ्रेंड्स जब आपका धन भर से ऐप अप्रूव हो जाता है तो इस तरह से आपको अप्रूव लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर सही का निशान आपको दिखाई देगा। उसके बाद जब आप यहाँ से स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पर वॉलेट में ये जो देख रहे हैं कैशबैक ये आपको जमा हो जाएगा और ये डायरेक्ट आपको पेटीएम अकाउंट में चला जाता है। तो फ्रेंड्स जब भी आप इस आईडी को बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको जो पेटीएम का नंबर है उस नंबर से आपको ये आईडी को बनाना है, जिससे आपको पेमेंट तुरंत आपके पेटीएम अकाउंट पे प्राप्त हो जाएगा। तो आप दूसरा नंबर नहीं दें, क्योंकि आप पेटीएम का ही नंबर दें, आप पेटीएम का केवाईसी करा लें जिससे आपको तुरंत पैसे ऐड हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आपको कुछ स्कैन करके हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको स्कैन करना है। अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर का QR स्कैन करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन वाले QR को स्कैन करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं कुछ हम स्कैन करके। पेटीएम कैशबैक प्राप्त करने के लिए स्कैन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए स्कैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए गोल्ड मेडल का यहाँ पर पेटीएम कैश यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेलर, तो इसे चलिए हम इस तरह से स्कैन कर लिए। रिडीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 रुपया हमको प्राप्त हो गया है। इसी तरह से आप भी स्कैन कर सकते हैं, देखिए आप रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर आपका अमाउंट यहाँ पर नहीं दिखाता रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है, 20 रुपये हो गए हैं। उसके बाद जब आपको फिर से अगर आपको स्कैन करना है तो आप उसी तरह से स्कैन कर सकते हैं, फिर आप स्कैन पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर फिर से हम स्कैन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप रिटेलर का आईडी बनाए हैं तो रिटेलर का पेटीएम का ऐसे ही स्कैन कर सकते हैं, जिसमें ओनली फॉर रिटेलर लिखा हुआ रहेगा उसे आप स्कैन करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रीशियन वाला बनाए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन वाले QR को आप स्कैन करेंगे तो आपको कैशबैक मिलते रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से कैशबैक प्राप्त होता है। कभी कभी सर्वर डाउन होने के कारण थोड़ा सा लेट होता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम स्कैन करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको स्कैन करना है, रिडीम पे क्लिक करना है, उसके बाद देखिए फिर से 10 रुपया प्राप्त हो चुका है। फिर से यहाँ पर देखिए ऐड नहीं हुआ तो रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो जितना भी आप पेटीएम कैश का QR आप स्कैन करेंगे तो आपको यहाँ पर ये कैशबैक प्राप्त होगा, जो आपको पेटीएम अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए हम आपको पेटीएम अकाउंट दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हम अपना पेटीएम का अकाउंट ओपन कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए कैशबैक रिसीव हुआ है और ये गोल्ड मेडल के द्वारा रिसीव्ड हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा कैशबैक हमको प्राप्त हुआ है।
तो सभी कैशबैक इस तरह से आपको तुरंत पेटीएम अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो जब भी आप धन बरसे ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर आपको अपना पेटीएम का ही नंबर डालना है। तो फ्रेंड चलिए हम आपको एक पर क्लिक करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी में भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर कैशबैक प्राप्त हुआ है और ये गोल्ड मेडल की तरफ से ये कैशबैक प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।